कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, कंफर्ट जोन से बाहर आओ। आज के टाइम में हर कोई ये बोलता रहता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आओ, लेकिन क्या कभी कोई बताने की कोशिश करता है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है, क्यों हम कंफर्ट जोन में फंसे हुए हैं और क्या रास्ते हैं जिसके जरिए हम कंफर्ट जोन से बाहर निकल सकते हैं। सो आज की वीडियो का बेसिकली टॉपिक यही है कि कंफर्ट जोन से बाहर कैसे आना है, कंफर्ट जोन से बाहर आओ, अगर आप कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आते तो आपको क्या क्या परेशानियों का सामने करने पड़ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डेमिगॉड्स द चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, आज से 2400 साल पहले चले जाते हैं, जब प्लेटो नाम का एक फिलोसफर था जिसने कहानी लिखी थी। उस कहानी को मैं यहाँ पे इस्तेमाल करना चाहता हूँ, इस कहानी को यूज़ करना चाहता हूँ ताकि आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मदद कर सकूं। मैं आपको जो कहानी बताऊंगा इसके साथ साथ आप जस्ट इमेजिन करना, आप एक इमेजिनेशन करना, अपने दिमाग में कल्पना करना कि जो मैं कहानी बता रहा हूँ आपके दिमाग में वो कहानी छपनी चाहिए। कुछ लोगों का ग्रुप है जिन्हें बचपन से ही कैदी बना रखा है एक गुफा के अंदर, एक अंधेरी गुफा के अंदर जो एक नदी के किनारे है। अब आप इमेजिन कीजिए कि जो ग्रुप है जो कैदियों का, उनकी गर्दन जंजीरों से बांध रखी है, उनके हाथ जंजीरों से बांध रखे हैं और गर्दन से लेकर उनके पैरों तक जंजीर आ रखी है, तो वो हिल डुल नहीं सकते, वो पीछे मुड़ के भी नहीं देख सकते, वो आगे भी नहीं जा सकते, ज़्यादा पीछे भी नहीं जा सकते। उनके पास ऑप्शन बस यही है कि जहाँ वो है वो वहीं रहेंगे। अब जिस जगह उन्हें कैद करा गया उनके सामने बस एक दीवार है, यानी कि अगर वो किसी को देख सकते हैं तो वो सिर्फ खाली दीवार को देख सकते हैं, उसके अलावा वो किसी चीज़ को नहीं देख सकते हैं। आप मेरे साथ हो, ठीक है। अब जिस जगह उन्हें कैद कर रखा है उस जगह पे बहुत दूर पीछे की तरफ एक बहुत बड़ी मशाल, बहुत बड़ी आग की मशाल जल रही है, और जहाँ ये कैदी कैद है और वो मशाल, उसके बीच में एक ब्रिज है, यानी कि आने जाने का रास्ता है जहाँ से लोग वहाँ से गुजरते हैं, जो भी कोई वहाँ से लुटेरे जाते हैं या फिर जो भी मुसाफिर जाते हैं या फिर कोई जानवर जाते हैं, जब वो उस जगह से जाते हैं तो होता क्या है कि जो आग है उसकी परछाई उस दीवार पर आती है। पीछे आग जल रही है, लोग यहाँ से जा रहे हैं और कैदी नीचे हैं, लोगों को नहीं पता यहाँ पे कैदी कह रहा है और कैदियों को नहीं पता पीछे क्या चल रहा है, समझ में आ रही है ना। तो होता क्या है, कैदियों की सारी जिंदगी निकल गई है सिर्फ उन परछाइयों को देखते हुए, जो काली परछाई उन्हें दीवार पर दिखती है उन्हें सिर्फ यही पता है कि यही उनकी दुनिया है, यही उनकी सच्चाई है, और वो हमेशा बस इसी बारे में बात करते रहते हैं कि वो देखो वो क्या है, उसी के बारे में बात करना ही उनके जीवन का एकमात्र सच्चाई और एकमात्र लक्ष्य रह गया है खाली। अब इमेजिन करो, कल्पना करो, एक कैदी, उनमें से एक कैदी की जंजीर अपने आप टूट गई, उसके पैरों की जंजीर टूट गई, उसके गर्दन की जंजीर टूट गई और वो आज़ाद हो जाता है। अब होता है जिस कैदी की जंजीर छूट जाती है वो, उसे एक दूर से उजाले की किरण दिख रही होती है, उसे थोड़ी सी उजाले की किरण दिख रही होती है, तो उधर की तरफ वो चलने लगता है। जैसे ही वहाँ पे चलने लगता है तो जैसे ही वो झांकता है जहाँ से आग असलियत में आ रही होती है, आग की रोशनी आ रही होती है, जैसे वो देखता है एकदम से उसकी आँखें चुभ जाती है, उसे समझ में नहीं आता कि उजाला क्या है, उसे नहीं समझ में आता कि एकदम से, अरे क्योंकि आज तक वो सिर्फ दीवार पे एक परछाई देखता आया है और उसे लगता है कि यही सब कुछ है, जो असलियत में आँख देखता है वो नहीं समझ पाता है क्या रोशनी है। फिर भी वो हिम्मत करता है, उसको बहुत डर लगता है। डर लगता है आपको, क्या लगता है, डर नहीं लगता होगा, डर लगता होगा क्योंकि आज तक वो सिर्फ जंजीरों में कैद रहा है, अंधेरे में रहा है, वो पहली बार किस थोड़ा सा आगे जा रहा है अपने आप से, उसे बहुत डर लगता है, उसे बहुत ज़्यादा घबराहट होती है, बेचैनी होती है, फिर भी वो थोड़ा बहुत हिम्मत करके आगे बढ़ता है। तो जैसे जैसे वो गुफा के ऊपर चढ़ता जाता है तो वो क्या, जैसे ही वो बाहर निकलता है एकदम से वो अंधा हो जाता है, उसकी आगे चौंधिया जाती है, क्योंकि होता क्या, उसके सामने पड़ता है पूरा चमचमाता हुआ सूरज। तो जैसे ही वो देखता है, उसको कम से कम कुछ मिनट लग जाते हैं, अपनी आंखें धीरे धीरे आंखें खोलता है वो, तो जैसे ही वो देखता है चीज़ उसने कभी कल्पना में भी नहीं करा था कि ये क्या चीज़ है, वो देखता है कि नदी जा रही है, वो देखता है कि पेड़ है, वो देखता है कि जानवर है, पक्षी है, आसमान है, सूरज है, वो भौचक्का हो जाता है, मतलब वो इतना ज़्यादा ओवरवेल्म हो जाता है कि उसे नहीं समझ में आता क्या करना है, वो खुशी पागलों की तरह दौड़ता है, इधर उधर घूमता है वो, जब वो बाहर जंगल में पेड़ों की परछाई देखता है, जानवरों की परछाई देखता है, ऊपर जो पक्षी उड़ रहे हैं उनकी परछाई देखता है, तो वो उन सब चीज़ों को असलियत में देखता है जिनकी आज तक उसे परछाई देखते आए थे उस गुफा के अंदर। वो बहुत ज़्यादा भौचक्का हो जाता है, उसे नहीं समझ में आता क्या होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। अब वो सोचता है कि मैं क्या करूँ, क्योंकि एक ऐसी दुनिया उसने देखी, ऐसी दुनिया उसने ढूंढी है जो आज तक कभी उसने सोचा भी नहीं था सपने के अंदर। बहुत ज़्यादा खुश होता है, वो सोचता है कि मुझे अपने कैदी दोस्तों की मदद करनी चाहिए, मुझे गुफा में वापस जाना चाहिए और उनको भी बाहर लेके आना चाहिए। अब आपसे मैं कुछ सवाल पूछता हूँ, इस बात के जवाब देना, जब वो गुफा में जाएगा और अपने साथियों को बताएगा कि बाहर ऐसा ऐसा उसने देखा है, आपको क्या लगता है उसके साथी उसकी बात पर यकीन करेंगे? कभी नहीं यकीन करेंगे उसके साथी उसकी बात पर। अच्छा एक बात बताओ, अगर वो अंदर गुफा में चला भी जाता है तो आपको क्या लगता है उसके साथी वापस उसे वापस आने देंगे? कभी नहीं वापस आने देंगे।
आगे आपको बताता हूँ कहानी में होता है क्या। कहानी में होता यही है, वो सोचता है कि चलो मैं अपने दोस्तों की मदद करता हूँ। तो जैसे ही वो गुफा के अंदर वापस घुसता है, बाहर इतनी ज़्यादा रोशनी होती है, जैसे ही गुफा के अंदर घुसता है, आपने भी एक्सपीरियंस करा होगा, जब भी हम कभी सिनेमा हॉल में जाते हैं, बाहर से अंदर जाते हैं हॉल के अंदर, हमें अंदर कुछ नहीं नज़र आता, काफ़ी देर तक अंधेरा नज़र आता है, धीरे धीरे हमारी पुतलियाँ बड़ी आती तो बड़ी होती है तो हमें अंदर दिखना शुरू होता है। ऐसे ही उस कैदी के साथ होता है, जैसे ही वापस गुफा के अंदर जाता है तो उसे एकदम से सब कुछ अंधेरा अंधेरा दिखता है, उसकी आंखें नहीं एडजस्ट हो पाती, तो होता क्या, वो घसीटता घसीटता वापस लड़खड़ाता वो नीचे गिरता, वो अपने कैदियों के पास ही आ जाता है, अपने साथी दोस्तों के पास आ जाता है। तो जैसे ही वो उनके पास आके गिरता है, उसके दोस्त उससे इंप्रेस नहीं होते, वो कहते इसलिए बाहर गया था अपनी आंखें खराब करवाने, देखा यही मिला तुझे बाहर जाकर। फिर उन्हें समझाने की कोशिश करता है, नहीं नहीं ये तो इसलिए हुआ है क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा रोशनी थी, मेरी आंखों को एडजस्ट होने में टाइम लगा, मैं वापस आया और मेरी आंखें फिर वैसी हो गई है। और वो उनको कहानी बताते कि बाहर से क्या क्या देखा, कोई भी उसकी बात पे यकीन नहीं करता, उल्टा होता क्या है वो उसे जान से मारने की कोशिश करते हैं और उसे वहीं रहना पड़ जाता है उन कैदी साथियों के साथ हमेशा भर के लिए। तो ये थी हमारी कहानी जो आज से 2400 साल पहले लिखी गई थी प्लेटो के द्वारा। अब इस कहानी को मैं जोड़ता हूँ अपने कॉन्सेप्ट के से जो हम बात कर रहे हैं कंफर्ट जोन के साथ। यही बेसिकली आप देखा जाए, आप समझो ये कैदी जो है, ये कैदी लोग हैं हम लोग, आप लोग, जो अपनी एक नॉर्मल दुनिया में जो हमें लगता है कि यही हमारी सच्चाई है, इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते, चाहे वो जॉब है, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो फैमिली है, चाहे कोई रिलेशन है, चाहे कोई स्टडी कर रहा है, चाहे कोई कुछ भी चीज़ लगा लो जिंदगी के अंदर, जिसे लगता है कि मैं बस यही कर सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता, वो उसे इसलिए लगता है क्योंकि उसने कभी वो चीज़ें नहीं देखी होती। और जब कोई उसे बताने की कोशिश करता है, जैसे सपोज मैं आपको इस वीडियो के जरिए कुछ अच्छी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत से लोग क्या कहेंगे, मुझे गाली देंगे, बहुत से लोग इस वीडियो को यहीं पर बंद करके आगे चले जाएंगे, डिलीट करेंगे और नेगेटिव कमेंट्स पास करेंगे। क्यों? क्योंकि जो चीज़ें मैंने अपनी ज़िंदगी में देखी है ना, और मैं आप लोगों को बताने की कोशिश कर रहा हूँ, वो हो सकता है कि कोई समझने की कोशिश करे, कोई समझने की कोशिश ना करे। तो दोस्तों प्लीज़ इस वीडियो को पूरे सुनते रहना, आपको बहुत कुछ मैसेज अच्छा मिल सकता है। मैं अपने आपको कई 7-8 सालों का क्रक्स बता रहा हूँ इस वीडियो के अंदर, तो कुछ हवा में नहीं बता रहा इन बातों को। अब होता क्या है, देखो कंफर्ट जोन का मतलब क्या होता है। कंफर्ट जोन का बेसिकली मतलब हो गया कि ऐसी जगह, किसी भी जगह को इमेजिनेशन कर लो आप, कोई भी एक ऐसी जगह, एक ऐसा जोन, एक ऐसा इलाका जहाँ पे आप बहुत ज़्यादा आरामदायक हालात में हो, जहाँ पे आपको कोई स्ट्रेस नहीं लेना पड़ रहा, आपके दिमाग में कोई टेंशन नहीं आ रही, कोई परेशानी नहीं आ रही, आप बस मस्त तरीके से सोच रहे हो कि यही जिंदगी है, यही मस्त है, अपने को तो ऐसे वक्त निकल जाए, यही सब कुछ है। लेकिन एक बात बता दूँ, ये कंफर्ट जोन ही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। कंफर्ट जोन में ही आदमी सबसे ज़्यादा स्ट्रगल करता है, कंफर्ट जोन में ही आदमी सबसे ज़्यादा परेशानियाँ झेलता है अपनी जिंदगी के अंदर, उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ परेशानी, और वो सिर्फ एक जिंदगी को काटता है, सर्वाइव करता रहता है, कभी भी कामयाबी की तरफ नहीं बढ़ पाता। फिर आप लोग या फिर जो भी लोग हैं कंफर्ट जोन में आज तक, इसलिए हैं क्योंकि हम अपने बारे में वही सोचते हैं जैसे वो कैदी उस गुफा के अंदर अपने बारे में बस यही सोचते थे कि यही उनकी दुनिया है, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते, यही उनकी सच्चाई है। ऐसे ही जो लोग कंफर्ट जोन में हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे कोई भी है, चाहे आप हो, वो कंफर्ट जोन में सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही उनकी सच्चाई है। तो अगर कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है तो उसका सिर्फ एकमात्र तरीका है अपनी सच्चाई को अपने अंदर से बदलना, यानी कि अपनी सेल्फ इमेज चेंज करना। टू चेंज योर सेल्फ इमेज इज द ओनली की टू गेट ओवर फ्रॉम द कंफर्ट जोन। क्या होती है सेल्फ इमेज का मतलब है कि मैं अपने बारे में क्या सोचता हूँ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, हम अपने बारे में कैसा महसूस करते हैं। कोई इंसान है 15,000 की जॉब करता है, वो 15,000 की जॉब में सिर्फ इसलिए ही पड़ा हुआ है क्योंकि उसे लगता है कि वो सिर्फ 15,000 के ही लायक है। कोई पर्सन एक ऐसे पार्टनर के साथ रिलेशन में जो उसे डांटता है, जो उसे गाली बकता है, हमेशा मारता पीटता रहता है, वो उसके साथ इसलिए है क्योंकि उसे लगता है कि वो यही डिजर्व करता है अपनी लाइफ में। कोई बंदा है किसी स्टडी में फेल हो गया, ग्रेजुएशन में फेल हो गया, स्कूल में फेल हो गया, आगे पढ़ने की कोशिश नहीं करी क्योंकि उसे लगता है कि वो इसी के लायक है, वो पढ़ नहीं सकता क्योंकि समाज ने जैसा उसको बोला, सोसाइटी ने जैसे उसके दिमाग के अंदर बातें फितूर में डाला, उसने वही अपनी इमेज बना ली कि मैं कुछ नहीं कर सकता इसके आगे। पता नहीं हम लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि जो कुछ सिर्फ 1-2% लोग बहुत ज़्यादा कामयाब हैं, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, वो कुछ अलग से लोग पैदा होते हैं धरती के अंदर। ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं है, वो हम जैसे ही लोग हैं, जैसे मैं हूँ, जैसे आप हो, और जैसे हम सारी दुनिया, हम सारे लोग एक तरीके से बनाए गए हैं। बस फर्क इसलिए आता है, कुछ लोग इसलिए कामयाब हो जाते हैं क्योंकि उनकी एक सेल्फ इमेज है, उन्होंने अपने बारे में एक ऐसी इमेज बना रखी है कि ये मेरा स्टैंडर्ड है, मुझे ये करना है तो करना है क्योंकि मैं इस लायक हूँ, मैं इस कैपेबल हूँ। इसलिए वो लोग सक्सेसफुल हो जाते हैं, अपने कम्फर्ट जोन से बाहर निकलते हैं, डिसकम्फर्ट में जाते हैं और कामयाब होकर निकलते हैं। हमेशा बरगद के पेड़, पीपल के पेड़, नीम के पेड़, जो भी बड़े बड़े पेड़ है ना, हमेशा ज़मीन पर उगते हैं। तो यार इसी तरीके से, कभी देखा गमले में? नहीं देखा ना। तो यार इसी तरीके से हमें लाइफ में कामयाबी पाने के लिए ना ज़मीन पे जाना पड़ेगा। जब तक हम उस गमले के अंदर पड़े रहेंगे ना, हम ग्रोथ नहीं कर पाएंगे।
एक और एग्जांपल देता हूँ, गोल्ड फिश। गोल्ड फिश तो आपने कभी देखी होगी ना, गोल्ड फिश ऐसी होती है, ये गोल्डन कलर की होती है। गोल्ड फिश को अगर आप एक्वेरियम के अंदर और एक अगर ग्लास बाउल के अंदर रखोगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 इंच ही ग्रो कर पाती है, हद मार के 4-5 इंच। और आपको पता है अगर उस गोल्ड फिश को ही अगर आप समुद्र के अंदर छोड़ दोगे, उसे जंगली मछली बना दोगे, तो वो कम से कम 15 से 20 इंच तक ग्रोथ कर जाती है यार। जब गोल्ड फिश जाती है एक्वेरियम के अंदर, माना कि वो बहुत ज़्यादा सेफ है, लेकिन उसकी ग्रोथ नहीं है, वो पूरी ज़िंदगी भर अपना दाना खाती रहेगी और मर जाएगी इसी तरीके से। उसकी असली ग्रोथ है जब वो समुद्र में जाएगी, तरतराती हुई तैरती हुई जाएगी। बेशक से वहाँ पर रिस्क है, उसे जानवरों से रिस्क है, उसे मछुआरों से रिस्क है, शिकारियों से रिस्क है, लेकिन एक गोल्ड फिश बनी समुद्र के लिए ही है। इसी तरीके से हम लोग इंसान कामयाबी पाने के लिए बने हैं। बहुत से लोग कहते हैं यार मुझे एक स्पोर्ट्स एथलीट बनना है, तो जस्ट डू इट, जाओ ना यार, बनो, प्रैक्टिस करो, सुबह उठ के जाओ, अपनी मेहनत करो। लोग कहते हैं मुझे मॉडल बनना है, तो जस्ट डू इट, जाओ यार अपनी बॉडी पे वर्क करो, अपनी स्किल्स पे वर्क करो और जाओ यार करो बस। लोग कहते हैं मुझे अपनी नॉलेज बढ़ानी, जस्ट डू इट, स्टडी करो। मुझे जॉब चेंज करनी, जस्ट डू इट, गो एंड फाइंड आउट द न्यू जॉब। मुझे अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना, जस्ट डू इट, करो यार उसे। मुझे नया प्रोडक्ट लॉन्च करना, जस्ट डू इट, रिलेशन चेंज करना, जस्ट डू इट, मुझे कॉल करनी है, जस्ट डू इट, डू इट, डू इट। यही है एकमात्र तरीका कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, अपनी एक इमेज बनाना अपने बारे में कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूं, आई एम द बेस्ट क्रिएटर ऑफ द गॉड, यस मैन, ये होनी चाहिए इमेज। और जब आप अपने बारे में एक सेल्फ इमेज बना लोगे, अपने आप को चैंपियन समझो, यू आर अ चैंपियन, आप कुछ भी कर सकते हो। और देखो इसमें कोई गलती नहीं है हमारी, बेसिकली हमारे जो दिमाग की वायरिंग है, कुदरत ने इसी तरीके से वायरिंग करी गई कि हमारा दिमाग हमेशा हमें प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज़ से। कभी भी देखा ना आपकी आँख के पास कुछ आता है, एकदम से आँखें अपने बंद हो जाती है, वो क्यों होती है? क्योंकि यार हमें पता है कि यार मुझे बचना है बस इससे। तो हमारा दिमाग, हमारी बॉडी हमेशा हमें बचाती है किसी भी चीज़ में परेशानी से, स्ट्रेस लेने से, टेंशन लेने से। जब भी लगता ना थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, अपने आप बहाना ढूंढने लग जाओगे यार क्या है। लेकिन यार ऐसे वक्त में ही ग्रोथ के चांस होते हैं। अपनी डार्कनेस का सामना करो, जिस भी चीज़ से आप आज तक भागते आए हो उसका सामना करो, क्योंकि अगर आप उसका सामना नहीं करोगे वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगी, और अगर आप उसका सामना बनोगे वही आपका सबसे बड़ा दोस्त, सबसे बड़ा आपका साथी बन जाएगा। मैं चैंपियन हूँ, अपने बारे में एक ऐसी इमेज बनाकर रखो, मैं बेस्ट पार्टनर डिजर्व करता हूँ अपनी लाइफ के लिए, मैं बेस्ट जॉब डिजर्व करता हूँ, मैं एक ऐसी मैनेजमेंट पोजीशन डिजर्व करता हूँ किसी भी कंपनी के अंदर कि वहाँ पर जाकर मैं आग लगा दूँगा, फाड़ दूँगा सबकी। अपना एक ऐसा एटीट्यूड बना के चलो, आपने अपना अपने बारे में एक नज़रिया बनाया कि मैं अपने आपको ऐसा बनता देखना चाहता हूँ, और उस बारे में सिर्फ सोचो दिन रात सुबह शाम, उस बारे में एक इमेजिनेशन करते रहो, अपनी एक ऐसी पिक्चर बनाते रहो ताकि आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो पिक्चर आपकी सेट हो जाए। और ग्रेजुअली होगा क्या, आप जिन चीज़ों से आप आज तक भागते आए हो ना, उन चीज़ों का आप सामना करना स्टार्ट करोगे, आप उन चीज़ों का सामना करोगे और आगे बढ़ोगे जिंदगी में, 2 कदम आगे बढ़ोगे। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट करोगे ना, सीढ़ी पे सीढ़ी आप आगे बढ़ते चले जाओगे जिंदगी के अंदर। अपने बारे में अच्छा सोचो, अपने बारे में विजन बनाओ कि यस मैं डिजर्व करता हूँ बहुत कुछ अच्छा अपनी जिंदगी के अंदर। आप कितनी मोटिवेशनल वीडियो सुनते रहो यार, चाहे उसे 1 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन, हफ्ते भर सब उतर जाता है यार। जब तक आप अंदर से अपने आप को ठीक नहीं करोगे ना, आप चेंज नहीं होने वाले, अंदर से बदलना पड़ेगा खुद को। इसी बात पे देखो एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ, ये मेरे को बहुत अच्छी कहानी लगी थी जब मैंने पहली बार सुनी थी। तो होता है क्या, एक मेला होता है, तो मेले में एक काला लड़का खड़ा होता है, ब्लैक निग्रो लड़का खड़ा होता है। तो यहाँ पे जो गुब्बारे वाला होता है वो क्या करता है, गुब्बारों में हवा भर भर के उन्हें ऊपर फुला रहा होता है, छोड़ रहा होता है। तो पहले वो क्या करता है, पीले रंग का गुब्बारा लेता है, उसमें हीलियम गैस भरता है, और जैसे भरता है तो छोड़ देता है, गुब्बारा उड़ता है, ऊपर चला जाता है। लड़का सरप्राइज होकर देखता है एकदम से, अरे ये क्या। तो फिर होता है क्या, ऐसे ही अगली बार क्या रहता है, एक संतरी रंग का गुब्बारा लेता है गुब्बारे वाला, उसके अंदर हीलियम गैस भरता है, और जैसे भरता है उसे फिर छोड़ता है, गुब्बारा उड़ता है ऊपर चला जाता है। लड़का एकदम सरप्राइज भौचक्का, वो क्या करता है, लड़का 2 कदम आगे आगे बढ़ता है, कहता आपसे एक सवाल पूछूं, कहता पूछो बेटा क्या हुआ, अगर एक काले गुब्बारे में आप गैस भरोगे तो भी क्या गुब्बारा उड़ेगा। गुब्बारे वाला उसको देखता है, स्माइल करता है, मुस्कुराता है, पुचकारता है, बेटा इट डजेंट मैटर, ये मायने नहीं रखता किस रंग का गुब्बारा है, मायने ये रखता है कि गुब्बारे के अंदर क्या भरा गया है, ये सबसे ज़्यादा जरूरी है। तो यार ये मायने नहीं रखता कि आप किस जगह से बिलोंग करते हो, आपकी लैंग्वेज क्या है, आपकी भाषा क्या है, आपकी हाइट क्या है, आपका वेट क्या है, आपका कलर कैसा है, कुछ मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपके अंदर क्या है, आप अपने बारे में क्या सोचते हो, आपकी सेल्फ इमेज क्या है। मैं अपनी पुरानी वीडियो में आपको बता चुका था कि किस तरीके से हमारा दिमाग और मिट्टी एक तरीके से काम करती है। तो जब अपने दिमाग के अंदर एक अपने आइडिया डाले, बीज बोया कि मुझे ऐसा बनना है, ये है मेरी सेल्फ इमेज, तो आपके दिमाग में होगा कन्फ्लिक्ट चलेगा, झगड़ा चलेगा, यानी कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा परेशानी से आएगी, हो क्या रहा है यार, समझ नहीं आ रहा। आपके पास 2 रास्ते आएंगे, पहला रास्ता क्या होगा कि आप बहाना ढूंढोगे, कुछ ना कुछ बहाना ढूंढोगे, आपके दिमाग के अंदर बहाना आएगा। फिर होगा क्या, अगर आप उस बहाने पर टिके रहे तो आप उस बहाने को प्रोटेक्ट करोगे, आप उस बहाने का डिफेंड करोगे। और एक बात याद रख लेना, जब आप उस बहाने को डिफेंड करने लग जाओगे ना, तो यानी कि आप अपनी नई इमेज पे नहीं जा रहे, और आप उन सब चीज़ों को मिस कर दोगे जो आपकी लाइफ में लिखी हुई है।
फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, आपने प्लान कल सुबह उठ के मुझे एक्सरसाइज करने जाना है, वेट लॉस करना है, जैसे सुबह उठने आप जाओगे आपको लगता है कि नहीं यार कल रात को तो मैं पूरे ठीक तरीके से सो नहीं पाया था और मैं तो कम से कम 6-7 घंटे सोता ही सोता हूँ, तो यार नहीं मुझे सोना है, आप अपने आप सो जाओगे। तो यानी कि आपने आपको एक बहाना दे दिया, आप अपने इस बहाने को डिफेंड कर रहे हो, डिफेंड कैसे कर रहे हो, सो गए आप उस बहाने को डिफेंड करके सो रहे हो और लाइफ कैसे चेंज होगी यार फिर हमें। और दूसरा रास्ता ये होगा आपके सामने जब भी ऐसा कन्फ्लिक्ट आएगा कि आप एक एटीट्यूड लेके आओ, लर्निंग एटीट्यूड, सीखो और आगे बढ़ो, सिर्फ यही एकमात्र तरीका है। अगर आप इस बात को समझ लोगे तो आप कंफर्ट जोन से बाहर आ जाओगे, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, क्योंकि दुनिया बेशुमार दौलत, बेशुमार कामयाबी, बेशुमार प्यार मोहब्बत के साथ आपका इंतजार कर रही है। तो इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं और इसी तरीके की वीडियो आगे लाता रहूंगा। आपको वीडियो सच में अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ना मैं गिरा और ना ही मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने में हर बार गिरते रहे। सो बाय, टेक केयर डेमिगॉड्स, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।